कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने बीजेपी को एक बार फिर से निशाने पर लिया। शैलजा ने बीजेपी के 400 पार के नारे की हवा निकालते हुए कहा कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, कांग्रेस के बीच कोई गुटबाजी नहीं है। कुमारी शैलजा आज यमुनानगर में पहुंची थी। कुमारी शैलजा ने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बांटने का काम कर रहे हैं, वह हर समुदाय से नफरत के बीज बो रहे हैं। बीजेपी नफरत फैलाने वाली पार्टी है। कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा 400 पार का जो दावा कर रही है वो ये कहावत हो जाती है कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कुमारी शैलजा ने हरियाणा सरकार को भी जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी जगह खो चुके हैं, उन्होंने जो नया मुख्यमंत्री बनाया है उनसे हरियाणा संभलने वाला नहीं है। कुमारी शैलजा यहीं नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में जिन 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनमें 6 पुराने कांग्रेसी हैं। इससे पता लगता है कि बीजेपी किस तरह की पार्टी है। आप देख रहे हैं कि हर रोज माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से भाषण दे रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जब समाज को बांटने की बात करे तो ये देश जो कि हर धर्म का हर जाति का देश है, आपस में भाईचारे का देश है, शांति का देश है, ये देश इस तरह की बातों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी के जो नारे थे 400 पार 370 पार, पहले चरण में ही जो खबरें आ रही हैं इनके ये सारे नारे, इनके सारे जो ये क्लेम करते हैं वो सब ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। तो ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश इंसाफ की ओर आगे, न्याय की ओर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमें सिर्फ बीजेपी अपना घर संभाल ले, ना इनके पास नेता ना इनके पास उम्मीदवार। आप देख लीजिए आगे, आप देख लीजिए कि कम से कम 6 इनके उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में थे, दूसरी पार्टी से ले लेकर इन्होंने अपने उम्मीदवार बनाए हैं। इनका अपना घर देख लीजिए, अपनी कमजोरी इन्होंने खुद हमारे सामने रख दी है। जिस तरह से मुख्यमंत्री बदला, आज के दिन भी ना नए मुख्यमंत्री को ये मुख्यमंत्री मान रहे हैं, पुराने मुख्यमंत्री अपनी जगह खो चुके हैं और प्रदेश में ऐसे लगता है कि ना शासन है ना प्रशासन। हर तरह से लोगों को इन्होंने लेट डाउन किया है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा, इनके पास केवल और केवल लोगों को बांटने का फॉर्मूला है जो चलेगा नहीं। कृपया करके ये बता दें कि इन्होंने देश को 10 साल में क्या दिया है सिवाय नफरत फैलाने के। ये तो भारतीय नफरत पार्टी आप समझ लीजिए और कुछ नहीं है। ना आपने लोगों को रोजगार दिया है, ना आपने महंगाई कम की है। 10 साल का अपना लेखा जोखा ये बता दें, अगर इनके पास कुछ होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी बात करते, भाजपा उसकी बात करती। आज भी केवल धर्म के नाम पर आप बंटवारे की बात करते हैं। कहना नहीं चाहिए क्योंकि समुदाय देश में बहुत है और सब बराबरी से रहते हैं, इज्जत मान से रहते हैं, प्यार से भाईचारे से रहते हैं। लेकिन राजस्थान में जाकर कुछ बात करना, हिंदू मुसलमान की बात करना, यूपी में जाकर कुछ और बात करना, हर जगह केवल बंटवारे की बात, हिंदू मुसलमान की बात, ये देश इसको नकार चुका है। और आगे आने वाले समय में आप फिर देखेंगे सकारात्मक बात क्यों नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ना केवल लोगों को जोड़ने की लेकिन सामाजिक न्याय की बात की है, हर तरह से हर वर्ग को न्याय देने की बात की है। तो इनकी तो खोखली बातें हैं, खोखली गारंटी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो की एक गारंटी जरूर देश मान रहा है और वो है कि
कि ये एक बार फिर जुमलेबाजी की गारंटी है। बीजेपी को लेकर